हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए तीन वीकली चार्ट के ऊपर अपने मल्टीबैगर स्टॉक लेके आया हूँ, जो आप अपने पोर्टफोलियो में लेके रख सकते हैं। 3 से 6 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे बाय करना है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखो, अगर गाइज अगर कोई भी स्टॉक है, सही दाम पे बाय करोगे और सही लेवल पे बाय करोगे तो वहां से रिवर्सल आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसे ही तीन बढ़िया स्टॉक मैं बताऊंगा जो वीकली चार्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले आने वाले 3 से 6 महीने में। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, उससे क्या होगा आप भी चार्ट एनालिसिस सीख सकते हो। बहुत सारे लोग सिर्फ स्टॉक देख के चले जाते, स्किप कर देते वीडियो, फिर उनको प्राइस का पता नहीं चलता कि उसके पीछे कौन सा स्टॉप लॉस लगाना है, लॉजिक कौन सा है। अगर आप एक बार देख लोगे तो आप भी अपना जो पोर्टफोलियो है उसका चार्ट एनालिसिस खुद से कर सकते हो और हर वीक में आप रिव्यू भी कर सकते हो कि आपके पोर्टफोलियो में से कौन से स्टॉक को निकालना है और कौन से स्टॉक को रखना है। जितना हो सके उतना आउट परफॉर्म करने वाले स्टॉक होते हैं, जो अच्छे मोमेंटम स्टॉक होते हैं, ऐसे रखोगे तो आपका पोर्टफोलियो जल्दी से ग्रो करेगा। तो वो भी बहुत जरूरी है, तो वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा वीडियो को। और जो पहली बार चैनल पे आए तो आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। आपको यहाँ पे हर तरह के ट्रेड मिलते रहेंगे, इंट्राडे ट्रेड मिलेंगे, अलग अलग स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे। जैसे कि लास्ट संडे को आपने एक सेक्टर ऑफ द वीक बताया था, फार्मा सेक्टर। तो वहां पे औरोबिंदो फार्मा 500 पे अपने बोला था बाय करना है, तो 520 ऑलरेडी चला गया है और आने वाले 1 से 10 दिन में उसका टारगेट भी अपना 550 का है। तो ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे ट्रेड यहाँ पे मिलते रहेंगे, मल्टीबैगर स्टॉक मिलेगी, इंट्राडे मिलेंगे, अलग अलग स्ट्रेटेजी के बारे में भी यहाँ पे आपको चैनल पे नॉलेज मिलता रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। उसके अलावा आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रख सकते हो, आपको भी यहाँ पे भी लाइव मार्केट में भी अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते रहेंगे। तो अभी अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अभी मैं आपको तीन स्टॉक बताऊंगा। ये टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ भी क्वेरी हो तो भी कमेंट करके भी पूछ सकते हो गाइस। तो अभी अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अभी मैं आपको तीन स्टॉक बताऊंगा जो आने वाले 3 से 6 महीने में बहुत अच्छी रैली दिखा सकते हैं। उसमें पहले स्टॉक का नाम रहेगा सन फार्मा। सन फार्मा को आपको बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर अपने क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। अपने हर सैटरडे को क्या करते हैं, वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो आज के एनालिसिस डेट भी 1 अप्रैल 2023 है। तो यहाँ पे स्टॉक का नाम भी देख सकते हो, सन फार्मा स्टॉक का नाम है। तो स्टॉक को क्यों बाय करना है, तो आप ध्यान से देखोगे तो सप्लाई बिकम रेसिस्टेंट है। आपको पता है कि अपने ये सेटअप को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं और यहाँ से आपको रिवर्सल सिग्नल भी मिलता है और आपका रिस्क भी लिमिटेड होता है यहाँ पे। तो सप्लाई बिकम रेसिस्टेंट यानी कि स्टॉक यहाँ पे वीकली चार्ट में क्या कर रहा था, यहाँ पे ऊपर गया है, यहाँ से उसका सप्लाई जोन था 940 से 955 का, वहां से स्टॉक गिर गया, फिर से ऊपर गया, फिर से वहां से गिर गया और फिर से फाइनली उसने क्या किया, ब्रेकआउट दिया। तो आप इसको ब्रेकआउट कैंडल बोल सकते हैं। जैसे ब्रेकआउट कैंडल मिलती है तो ये सप्लाई जोन होता है आपका, क्या हो जाता है इसके बाद डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम ऐसा ही हुआ स्टॉक, यहाँ से देखो ऊपर गया उसके बाद, लेकिन जैसे डिमांड जोन में आया वहां पे पॉज लिया 2-3 वीक और उसके बाद फाइनली रिवर्स मार के ऊपर चला गया। तो उसका ये क्या मतलब हुआ कि आप इसको रिट्रेस कैंडल बोल सकते हो। जो मैक्सिमम लो एक कैंडल नहीं मारा तो इसको आप रिट्रेस कैंडल बोल सकते हो और उसके हाई के ऊपर भी स्टॉक गया, यानी कि आपका रिवर्सल कंफर्मेशन मिल चुका है, स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो ये अपना पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन कौन सा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। आप नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन एक बार उसने ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन जो ब्रेकडाउन कैंडल के लो के नीचे क्या रूल्स क्या होता है, एक कैंडल का लो फिर से कोई कैंडल ब्रेक करती है तो वो स्टॉक नीचे जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर से रिवर्सल दे दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे भी आपको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, दूसरा रीजन। और तीसरा रीजन आप मेन देखोगे तो 50 सिंपल मूविंग एवरेज, आपको जो रेड कलर की लाइन दिख रही है वो 50 सिंपल मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी उसका ब्रेकडाउन हुआ लेकिन ऊपर चले गए, यहाँ पे देखो 50 सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला। और यहाँ पे भी देखोगे तो अभी यहाँ पे 50 सिंपल मूविंग एवरेज कहाँ पे ट्रेड कर रही है, 940 से 945 के आसपास ट्रेड कर रही है, यानी कि यह स्टॉक को देखो कितने सपोर्ट मिल रहे हैं। अगर इसके बाद भी गिर जाता है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अपने मेन फोकस होता है सपोर्ट एरिया ढूंढने का कि कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, उसके बाद स्टॉक पे छोड़ देना है कि अगर ब्रेक होना है तो अपने को फिर एग्जिट होना है, कि समझ लेना कि अपना बैट लगे, क्योंकि इससे ज्यादा आपने नहीं दे सकते। आपको इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया दिया है, इसके पीछे का लॉजिक भी दिया है,
अगर इसके बाद भी स्टॉक गिरता है तो फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा, फिर स्टॉक वीक हो जाएगा, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक गिरेगा तो यहाँ से उसको पहले ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद उसको डिमांड जोन का सपोर्ट मिलेगा, डिमांड जोन के साथ साथ उसको सिंपल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है। अगर वो भी नहीं किया और इसके बाद क्लोजिंग दिया तो फिर समझ लेना कि स्टॉक में कुछ तो गड़बड़ है और स्टॉक वहां से गिरने का रेडी हो जाएगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो अभी स्टॉक का CMP कितने 983 है, तो आपको अभी पे मैंने कि मंडे को ये लेवल पे ही बाय करना है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखना है और 1100 सॉरी 1120 का आपका टारगेट है SL एग्जिट वीकली क्लोज बिलो 940, यानी कि इसके नीचे वीकली क्लोज देता है तो आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि टारगेट 1120 कैसे आए, तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि टारगेट आपको ऐसे ढूंढना है। ऐसे देखो मैक्सिमम लो कहाँ पे था, आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला मैक्सिमम लो था, तो आपको स्विंग ट्रेड ढूंढना है कि मैक्सिमम लो से कहाँ तक स्टॉक गिरा है, वहां से आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है और 138% जो आएगा वो आपका पहला टारगेट होगा और दूसरे टारगेट 161% तक भी जा सकते हैं, लेकिन अपने नॉर्मली 3 से 6 महीने का व्यू, इसलिए 138% तक अपने जाएंगे। तो यहाँ पे देखो फिबोनाची यहाँ पर यहाँ से ड्रॉ करोगे, यहाँ से नीचे की मैक्सिमम एक कैंडल तक गया था, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो ये आपका हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अभी आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, मैं आपको चार्ट को देखो थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ, तो 138% का यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखोगे तो उसकी वैल्यू आ रही है 1122 1120 के आसपास, तो स्टॉक यहाँ से मैक्सिमम यहाँ से यहाँ गिरा, अभी 138% तक यहाँ तक जा सकता है, तो ये आपका टारगेट हो सकता है। स्टॉक यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे 100% और उसके बाद 138% तक जा सकता है और वहां से नीचे की साइड स्टॉक आ सकता है, तो ये आपका पहला टारगेट रहेगा 138% वाला, आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपना टारगेट हो गया SI सेम में फिबोनाची, आपको दूसरी जगह भी लगा के दिखाता हूँ। तो गाइज आपको वीडियो पूरा देखना है तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे नॉलेजेबल मिलेगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। देखो अभी मैं आपको दूसरा बताता हूँ कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से स्टॉक गिरा था, ये वाला स्विंग से लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक स्टॉक गिरा था, तो देखो यहाँ पे गिरा तो यहाँ से उसका ये टारगेट है, तो 138% का पे आ रहा था, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से स्टॉक यहाँ तक गिरा, उसके बाद 138% देखो यहाँ पे दो बार पॉज लिया, लेकिन फाइनली उसने जो 138% का टारगेट था वो अचीव किया। यहाँ पे देखोगे तो सन फार्मा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे टारगेट अचीव किया, उसके बाद स्टॉक में नीचे की साइड गिरावट आ गई, तो यहाँ से फिर से 138% यहाँ तक आता है तो वहां तक स्टॉक जा सकता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो यानी ये मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए बताया कि आपको अगर कोई भी स्टॉक का टारगेट सिलेक्ट करना है तो ऐसे टारगेट सिलेक्ट कर सकते हो, स्विंग का हाई लेना है, स्विंग का लो लेना है और उसका फिबोनाची देखना है कि 138% कहाँ पे आ रहा है। तो ये हो गया अपना सन फार्मा का एनालिसिस, आपको 940 के नीचे क्लोज देना है, वो भी आपको ध्यान में रखना। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताने जा रहा हूँ जो आप बाय कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रख सकते हो। स्टॉक का नाम रहेगा रिको ऑटो। रिको ऑटो को आपको बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का नाम है रिको ऑटो। तो इस स्टॉक को क्यों बाय करना है, तो रिको ऑटो को बाय करना है वीकली चार्ट के ऊपर, एनालिसिस डेट है 1 अप्रैल 2023, सेम रीजन है, रेसिस्टम बिकम सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और अपने को क्या करना है, वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे देखोगे तो रिको ऑटो में स्टॉक ऊपर गया है, वहां से गिरावट आई, फिर से ऊपर जाने का ट्राई किया, गिरावट आई, यानी कि सप्लाई जोन था, कौन सा सप्लाई जोन था, 61 से 63 का, उसके बाद फाइनली स्टॉक ने ब्रेकआउट देके ऊपर गया। तो जैसे ब्रेकआउट कैंडल मिली तो ये क्या हो गया आपका पूरा डिमांड जोन हो गया, तो वहां पे आपको डिमांड जोन का, यहाँ पे देखो स्टॉक ने नीचे आया, डिमांड जोन से सपोर्ट लेके रिवर्सल दिया, और यहाँ से देखोगे तो ट्रेंड लाइन का भी यहाँ से ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे दो बार सपोर्ट है और यहाँ पे उसको ट्रेंड लाइन का तीसरी बार भी सपोर्ट मिल चुका है, यानी कि कंफर्मेशन के लिए अभी वेट करेंगे, क्योंकि ये आप इसको रिटेस्ट कैंडल भी बोल सकते हो, लेकिन रिटेस्ट कैंडल के हाई के ऊपर जाएगा तभी अपना ट्रेड कंफर्म होगा और वहां से स्टॉक में अच्छी रैली ऊपर की साइड आ सकती है। आप अभी बाय करोगे तो स्टॉक में हल्का सा गिरावट भी आ सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा बाय, क्योंकि अभी देखो अभी बाय करने जाओगे तो 67 रुपीज का आपको मिलेगा, और उसके बाद अगर 70 के ऊपर बाय करने जाओगे तो 3 रुपीज भले महंगा मिलेगा, लेकिन आपको 100% रिवर्सल सिग्नल मिल जाएगा और स्टॉक में रैली आ सकती है। अभी बाय करोगे तो रिस्क रिवॉर्ड आपका, मतलब स्टॉप लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, 50% चांसेस रहते हैं अभी 50। अगर आप 70 के ऊपर बाय करोगे तो आपको
स्टॉप लॉस होने के चांसेस सिर्फ 20% रहेंगे 80% ऊपर जाने के। तो आप थोड़ा महंगे में बाय कर सकते हो, रिटेस्ट कैंडल के हाई के ऊपर यानी कि 70 के ऊपर जाएगा तभी अपने बाय करेंगे और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो अभी CMP 67.25 है तो अभी बाय नहीं करना है, उसको कब बाय करना है, बाय अबो 70 के ऊपर जाता है आने वाले एक या दो वीक में जब भी जाता है आपको वो ध्यान में रखना है कि लो पहले ब्रेक नहीं करना चाहिए, सीधा ऊपर का लेवल ब्रेक करेगा आने वाले कभी भी एक या दो तीन वीक में तो ही बाय करना है। अगर नया लो मार देता है तो रिटेस्ट कैंडल चेंज हो जाएगी, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो SL एग्जिटिव वीकली क्लोज बिलो 61 के नीचे ऐसे समझो नेक्स्ट वीक बाय हो जाता है तो आपको 61 का स्टॉप लॉस आएगा और टाइम पीरियड 3 से 6 महीने लग सकता है। तो रिको ऑटो को आपको बाय करना है लेकिन कंडीशनल बाइंग करनी है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको तीसरा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जो आपको बाय करना है, स्टॉक का नाम है फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री को आपको बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने मंथली चार्ट ओपन किया क्योंकि वीकली चार्ट में बहुत छोटा आ रहा था, यहाँ पे जो 2016 का रिजेक्शन था वो नहीं दिख रहा था, बहुत छोटा चार्ट हो रहा था, इसलिए अभी मंथली चार्ट पे आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ लेकिन अपने एग्जिट तो करेंगे वीकली चार्ट के हिसाब से। स्टॉक का नाम है फिल्म इंडस्ट्री, स्टॉक का नाम रहेगा, मंथली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, 7 ईयर्स का ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट है। यहाँ पे देखोगे तो 2016 में स्टॉक ने यहाँ से रिजेक्शन लिया था, उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई थी, फिर से स्टॉक ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन रिजेक्शन आया और फाइनली इसने क्या किया, ब्रेकआउट दिया। तो आप इसको ब्रेकआउट कैंडल बोल सकते हो, आप इसको क्या बोल सकते हो, रिटेस्ट कैंडल बोल सकते हो। रिटेस्ट कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉक गया यानी कि आपका रिवर्सल कंफर्मेशन हो गया और रिटेस्ट कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद देखो स्टॉक फिर से नीचे की साइड गिरावट आई लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये डिमांड जोन में आके स्टॉक फिर से रिवर्सल मार के ऊपर चला गया। तो अभी स्टॉक में क्या हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन रहने वाला है तो आपको क्या करना है, अभी बाय करोगे तो आपको डिमांड जोन के नीचे क्लोज देगा वीकली, तभी एग्जिट करना है तो वो ध्यान में रखना है। तो अभी 1565 के आसपास है तो अभी बाय कर सकते हो, गिरावट पे भी बाय कर सकते हो। टारगेट रहेगा 2345 यानी कि अपना कौन सा टारगेट है, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से यहाँ ड्रॉ करोगे तो उसका 138% आएगा, वो 2345 का आएगा। SL एग्जिटिव वीकली क्लोज बिलो 1340 यानी कि इसके नीचे आपको ध्यान में रखना है। आपने भले मंथली चार्ट ओपन किया है लेकिन वीकली चार्ट में भी सेम पैटर्न आ रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। वीकली चार्ट में भी सेम एरिया आ रहा है तो इसके नीचे अगर क्लोज देता है तो आपको क्या करना है, एग्जिट करना है, वो आपको ध्यान में रखना है। देखो वीकली चार्ट मैंने ओपन करके रखा है तो यहाँ पे चार्ट छोटा करोगे तो इसके नीचे वीकली क्लोज देता है तो अपना रिवर्सल यहाँ से मतलब डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा, स्टॉक में गिरावट आ सकती है। इसीलिए आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि आपको वीकली चार्ट पे एग्जिट करना है और आपका लेवल याद रखना है, आपका 1340 का जो लेवल है वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपना तीसरा स्टॉक हो गया जो आपको क्या करना है, बाय करना है लेकिन क्या करना है, स्टॉप लॉस लगा के बाय करना है, अगर वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो आपको उसमें से एग्जिट भी करना पड़ेगा। तो गाइज ये तीनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं, आप अपने वीकली चार्ट के ऊपर लगा के रख सकते हो और जो भी इसमें आप मंडे से ही बाय कर सकते हो लेकिन स्टॉप लॉस लगा के। पहला स्टॉक है सन फार्मा, दूसरा स्टॉक है रिको ऑटो और तीसरा स्टॉक है फिल्म इंडस्ट्री, तीनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो गाइज आप वीडियो को प्लीज लाइक करना और कमेंट करके मोटिवेट भी कर सकते हो और वीडियो को हो सके उतना शेयर भी कर सकते हो गाइज। तो गाइज थैंक यू वेरी मच, आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना गाइज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।